हाँ जी जो आप टेंशन मत लो मैं हूँ ना मैं आंटी से अच्छे से बात भी कर लूँगा उन्हें खाना भी खिला दूँगा आप दोनों काम पे जाओ ठीक है भाई सुन तेरे लिए खाना ना मैंने अलग प्लेट में निकाल दिया और मम्मी के लिए ना इस पैन में तो मम्मी को खाना इसमें से ही दियो गलती से भी तू तो मम्मी का खाना मत खा लेना लेकिन मेरा खाना अलग और उनका खाना अलग क्यों अरे यार इतना सवाल जवाब मत किया कर और वैसे भी वो खाना ना मैंने मम्मी के लिए स्पेशली बना रखा है अगर उनके लिए कम पड़ गया ना फालतू में कलेश हो जाएगा अब मैं चलती हूँ हेलो बहन तू घर आ जा जल्दी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है क्या मम्मी मम्मी वहां आ गई? नहीं है मेरे पास उन्हें एडमिट करवाना पड़ेगा तू जल्दी आ जा घर मम्मी, इसका मतलब मम्मी ने माँ वाला खाना खा लिया यार भाई को समझाया था मैंने कि वो माँ का खाना है और लगता है मम्मी ने वो खाना खा लिया मां मां मा, आप तो बिल्कुल ठीक है हाँ ठीक हूँ मैं क्योंकि मैंने वो खाना नहीं खाया ना जो तू तो अपनी सास को खिलाने वाली थी आप ये क्या बोल रही हैं? भोली बनने की जरूरत नहीं है तेरे भाई ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि कैसे तू तो अपनी सास को बीमार करने वाली थी खराब खाना देकर ऐसा क्या बनाया दीदी ने जरा मैं भी तो देखू ये क्या खिचड़ी इसमें क्या स्पेशल है यार लगता है कुछ अलग तरीके से बनाया होगा चक के देखता हूँ जी कितना सारा नमक है ये इसे खा के तो कोई भी मर जाएगा यार किसी का पेट खराब हो जाएगा एक मिनट अब समझा मैं दीदी मुझे खाने से क्यों रोक रही थी इसका मतलब ये खाना खिलाकर वो अपनी सास को बीमार करना चाहती है बेटा तेरे हाथ नहीं कहां पे ऐसी हरकत करते हुए अब शादी के बाद वो भी तेरी माँ ही है और अपनी माँ के साथ तू ऐसी हरकत कैसे कर सकती है अपनी माँ की तबीयत का सुनकर कितनी परेशान हो गई तू तो सोच दामाद जी का क्या होता अगर उनकी माँ बीमार हो जाती तो ऐसे घर चलाएगी तो यही संस्कार दिए मैंने तुझे माँ आई एम रियली सॉरी वो गुस्से में आके ना मैंने ये सब कर दिया लेकिन मैं क्या करूँ वो मेरी सास है ना हर हफ्ते मुझसे यहाँ पे आके सेवा करवाती है लेकिन जब मैंने देखा कि आपकी तबीयत खराब हो गई तो मैं बहुत डर गई थी और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रही थी अपने पति और अपने सास के साथ माँ प्लीज मुझे माफ़ कर दो माफ़ी ना अपनी सास और अपने पति से मांगियो और शादी के बाद अब यही तेरा घर है एक बात का ध्यान रखना कि अगर तू अपने ससुराल में नहीं रह पाएगी ना तो तेरे मायके के दरवाजे भी तेरे लिए बंद हो जाएंगे चल